अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इट इज़ अ मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर और नॉन मेटल यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका क्या चीज़ बढ़ता है रेजिस्टेंस ये ऐसा किस में होता है मेटल्स में आपको एक ग्राफ की मदद से दिखाता हूँ देखें जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है जब इसके मुकाबले में जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो इंसुलेटर जो कि ग्लास वगैरह होते हैं प्लास्टिक हो गए उनका रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है इसी तरह सेमी कंडक्टर्स जिस तरह थर्मिस्टर्स होते हैं उनका भी रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है तो कंडक्टर क्या होते हैं मेटल इज़ अ कंडक्टर क्वेश्चन नंबर टू अल्फ़ा रेज पासिंग थ्रू गैस प्रोड्यूस वाइप्रेशन एक्साइटेशन आयनाइजेशन और रेडिएशन ये डायग्राम देखें अल्फा रेज जो होते हैं दे आर हाईली चार्ज पार्टिकल्स दे टेन टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम नियर बाई मॉलिक्यूल्स एंड कॉज द मॉलिक्यूल्स टू बिकम आइंस यानी आयोनाइजेशन कराता है क्वेश्चन नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन बोर्ड वाले दे सकते हैं आउटपुट ऑफ दिस सर्किट इज सेम एज डैश गेट अब देखने से बड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आपने क्या करना है फ़ौरन से इसका जो है ना आपने ट्रुथ टेबल बना लेना है यहाँ तो मुझे पता था कि ये एंड गेट के बराबर है क्योंकि मैं तो टीचर हूँ लेकिन कैसे बनाना है ये आपने टूथ टेबल बनाया जल्दी से आपने ज़ीरो जीरो ज़ीरो वन वन जीरो वन वन लिख दिया अब आपने क्या करना है एक एक को इनपुट लगा के आउटपुट देखते रहेंगे जब आपने ज़ीरो ज़ीरो लगाया तो ज़ीरो यहाँ से नॉट होके के वन बना यहाँ भी ज़ीरो नॉट होके के वन बना वन प्लस वन यहाँ पर वन आया नॉट होके के ज़ीरो हो गया तो आपने ये पहला टूथ टेबल की लाइन फिल कर दी इसी तरह आप सेकेंड रो फुल करेंगे जब आपने ज़ीरो वन किया है तो तब क्या आउटपुट आ रही है वन एंड ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो यहाँ पे वन आता है लेकिन इन्वर्ट होके नॉट हो गया तो ये हमने ज़ीरो लिख दिया थर्ड पे जाते हैं वन ज़ीरो किया और वन जीरो से क्या आया जीरो वन आया ज़ीरो प्लस वन वन होना था और नॉट हो के ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो आ गया फोर्थ पे चलते हैं वन ज़ीरो वन ज़ीरो हो गया ज़ीरो प्लस ज़ीरो जीरो बना लेकिन इन्वर्ट होकर वन बन गया तो ये फाइनल वन आ गया अब आप इस ट्रूथ टेबल को गौर से देखें तो ये किससे मिलता जुलता है ये बिल्कुल एंड गेट जैसा ट्रूथ टेबल बना है तो आंसर इज ए एंड क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा स्टोरिंग डिवाइस हार्ड डिस्क फ्लैश ड्राइव फ्लॉपी डिस्क या प्रोसेसर बड़ा ऑब्वियस है प्रोसेसर प्रोसेसर में तो कुछ नहीं हम लोग डेटा स्टोर कर सकते क्वेश्चन नंबर फाइव अ क्लॉथ इज़ यूज टू रब एन अनचार्ज प्लास्टिक रॉड यानी प्लास्टिक रॉड पे चार्ज कोई नहीं है उसको हम रब कर रहे हैं कपड़े के साथ वाई डज़ द प्लास्टिक रॉड बिकम्स नगेटिवली चार्ज एंड क्लॉथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज अगर रॉड नगेटिवली चार्ज हो रही है तो जाहिर है वह गेंद कर रही है इलेक्ट्रॉ तो ये पहले दो ऑप्शन जिसमें रॉड गेंज़ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं में से हो सकता है रॉड लूजेज इलेक्ट्रॉन्स में से नहीं हो सकता अब आगे देखते हैं रॉड गेंज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉथ गेंस पॉजिटिव चार्ज क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज भी कहाँ से आएगा नहीं आ सकता रॉड गेंज इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लॉथ लूजेज इलेक्ट्रॉन क्लॉथ ने क्या काम किए इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है ये आप तस्वीर देख सकते हैं कपड़े को हम लोगों ने फर वाला जो है रबर के रॉड से जब किया है या प्लास्टिक के रॉड से किसी भी रॉड से तो क्या हो रहा है रॉड जो है नेगेटिव चार्ज ले रहा है और क्लॉथ के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर सिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस प्रोड्यूस स्मॉल साइज इमेज माइक्रोस्कोप कैमरा पेरीस्कोप या स्लाइड प्रोजेक्टर वेरी ऑबियस इट्स कैमरा क्यों माइक्रोस्कोप तो छोटे को बड़ा करता है और पेरीस्कोप जो है ये क्या करते हैं बिल्कुल एक्जैक्टली exactly सामने से इमेज दिखा देते हैं कैमरा जो है आपका ये बहुत छोटे साइज़ का इमेज बनाता है फिल्म होती है अक्सर इसके अंदर या डिजिटल साइज़ होता है और प्रोजेक्टर तो आपको पता है फैमिली देखें प्रोजेक्टर लगा के बड़े साइज़ की वीडियो उससे आगे डिस्प्ले कर रही है क्वेश्चन नंबर 7 इफ अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर इज कनेक्टेड टू अर्थ थ्रू अ वायर वट हैपन्स पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है एक उसको हम लोगों ने एक तार से लगा के ज़मीन में गाड़ दिया तो क्या होगा याद रखें फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर आप ये भी कह सकते थे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ लेकिन स्फीयर तो क्या है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है ये डायग्राम देखें और समझें ये पॉजिटिवली चार्ज है अब जब हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो हमेशा देखें किस चीज़ ने फ्लो करना है इलेक्ट्रॉन्स ने तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो भी ज़मीन के अंदर मौजूद है उसमें से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट थम इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स करंट या वोल्टेज इसका आंसर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था इसका आंसर है फोर्स और ये लेफ्ट हैंड रूल पे भी अप्लाई होता है इवन राइट हैंड रूल पे भी मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ ये पिक्चर में आप देखें मैंने थंब को कह दिया फादर और इंडेक्स फिंगर को कह दिया मदर और सेंट्रल फिंगर को कह दिया चाइल्ड फादर मदर चाइल्ड याद रखना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा फादर का पहला लफ्ज़ एफ तो ये फोर्स मदर का पहला लफ्ज़ एम तो ये मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड का पहला लफ्ज सी तो ये करंट तो थंब किस डायरेक्शन में है फोर्स क्वेश्चन नंबर नाइन द करंट इन अ सर्किट इज पॉइंट फोर एम्पियर चार्ज सेट पासिस अ पॉइंट इन द सर्किट इन अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन सेकेंड्स विल बी डैश टू कोलम्स फोर कोलम्स सिक्स कोलम्स और एट कोलम्स आंसर इज सिक्स कोलम्स कैसे ये आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी या ट्राइंगल में लग दें क्यू आई टी यानी अगर टाइम निकालना हो तो क्यू डि आई कर लेंगे आई निकालना हो तो क्यू डि टी अभी हम लोग को क्या चाहिए क्यू चाहिए आई मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे तो पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन इज इक्वल टू सिक्स कूलम्स क्वेश्चन नंबर टेन इन डैम्पिंग प्रोसेस एम्पलीट्यूड ऑफ ऑफिलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली रिड्यूसिस या बिकम्स इन्फिनिट ये वक्त के साथ साथ रिड्यूस होती है जैसे आपने कभी गाड़ी के अंदर देखा हो गाड़ी को कभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जंप लगाओ तो शॉक ऑब्जॉर्वर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता उसके झटके को कम करना शुरू कर देते हैं वहाँ पे डैम्पिंग हो रही होती है शॉक ऑब्जॉर्वर की मदद से तो आंसर इज़ सी और ये आप देख सकते हैं इसका ग्राफ बना हुआ है एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम क्वेश्चन नंबर इलेवन टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज़ टू सेकेंड्स इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी पॉइंट वन हर्ट्स पॉइंट फाइव हर्ट पॉइंट टू हर्ट्स वन हर्ट्स बहुत ही आसान फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन ओवर टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड टू है तो so फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पॉइंट फाइव हर्ट्स फाइनल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व डैश इज़ यूज टू लोकेट अंडर वाटर डेप्थ एक् अक्सर बच्चे इधर कन्फ्यूज़ होकर एको को फॉरन सर्कल कर देंगे लेकिन नहीं करना अल्ट्रासाउंड ये चीज़ है बेसिकली जो सोनार सिस्टम होता है शिप्स के अंदर वो ये यूज़ करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं वाटर वेव नहीं तो अल्ट्रासाउंड इज़ आंसर और उसके लिए आप इस तस्वीर को देखें शिप जो है नीचे क्या चीज़ भेज रही है अल्ट्रासाउंड और वापसी पर रिटर्न क्या है एको तो हम जो यूज़ कर रहे हैं चीज़ वो अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रहे हैं तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे अगर आप इस किस्म की मदीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।